नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खंडवा जिले के थाना मुंदी पुलिस कर्मियों द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम सहेजला से गश्त कर वापस थाने लौटने के दौरान रेलवे के पास डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बीड़ रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास ताश के पत्तों के साथ कुछ रेलवे के गैंगमैन कर्मचारियों को जुआ खेलते देखा, तो जुआ खेल रहे उक्त रेलवे के गैंगमैन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पहुंचे थाने के प्रधान आरक्षक सहित उनके जवानों के साथ गैंगमैनों द्वारा उन्हें एक कमरे में बंद कर उनके साथ मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ने का आरोप पुलिसकर्मियों द्वारा लगाया गया। वहीं खबर मिलते ही खंडवा जिले के मुंदी थाना क्षेत्र आने वाली बीट पुलिस चौकी सहित मुंदी पुलिस थाने के बल ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तफ्तीश कर अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें थाने लाया गया है। वहीं कार्यवाही के दौरान ही बीट चौकी प्रभारी विक्रम धारवे द्वारा अपने थाना प्रभारी अंतिम पवार सहित क्षेत्र पुनासा के अपने वरिष्ठ अधिकारी SDOP राकेश पेंड्रा को मामले से अवगत कराया गया, जहां सूचना मिलते ही तत्काल पुनासा क्षेत्र के SDOP थाना मुंदी पहुंचे। बताया जा रहा है कि थाना मुंदी के प्रधान आरक्षक पूनम पाटिल, आरक्षक राजेश चौहान सहित पुलिस के दीपक की शिकायत पर जुआ खेल रहे 11 में से 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा उनके विरुद्ध जुआ एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर उनके बाकी फरार हुए साथियों के बारे में पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।